Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. Okay, अभी हमने last classes में एक नया topic start करा था rate analysis. Rate analysis के अंदर अपन ने कुछ important points देखे थे और उनके rates देखे थे कि आज के time पे हमारे पास materials का और labours का क्या charges चल रहा है. Okay, आज हम एक नया question करने चाह रहे हैं, उसके अंदर rate analysis निकालेंगे. Rate analysis मतलब हम क्या करेंगे, एक detail study करेंगे कि अगर हम concrete use कर रहे हैं तो कंक्रीट के अंदर सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा और कौन सी लेबर्स हमें कितनी लगेगी. तो आज हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम रेट एनालिसिस निकाल रहे हैं लाइम कंक्रीट का. तो जब भी हम लाइम कंक्रीट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लाइम और सुर्की की बात करेंगे और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्रिक बेलास्ट यूज करना है तो हम साथ ही साथ उसका ब्रिक बेलास्ट भी यूज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोर्शन. तो इसका जो प्रपोर्शन है वो फिक्स रहता है. फॉर एन एग्जांपल 15 से लेके 15.5 डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन. आप 15 से लेके 15.5 तक कोई सी भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल मैं अभी 15.3 ले लेता हूं. 15.3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 6. आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. इक्वल्स टू 15.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 6. तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.70. मतलब ये कि लाइम की जो क्वांटिटी है, लाइन हमारे पास आ गया 1.7. अब सुर्की कितना है, 2 टाइम्स है तो इक्वल्स टू 2 इनटू दिस वन आ जाएगा 3.4. ब्रिक बेलास्ट फर्स्ट क्लास 10 क्यूबिक मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेट. हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे. व्हाइट लाइम का जो रेट है एज पर द करंट सिनेरियो 1600 रुपीज. सुर्की का जो रेट है वो 1200 रुपीज और ब्रिक बेलास्ट अगर हम फर्स्ट क्लास यूज करते हैं तो उसका जो रेट है वो 8500 रुपीस पर 1000 ब्रिक्स. ओके, नाउ कॉस्ट विल बी रेट इनटू क्वांटिटी, मतलब इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी. आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करते सिंपली, फिर से इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी एंड द ब्रिक प्राइस इज फिक्स 8500. ओके, नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दिस मटेरियल्स. ये कितना आ गया हमारे पास 15,300 रुपीस. ओके, नाउ द लेबर्स हमको हेड मैसन, मजदूर, बिस्टी, कुली, सनराइज मींस मिसलेनियस चार्जेस. फॉर एन एग्जांपल अगर कोई टूल्स एंड प्लांक्स हो गए, अगर हमको कोई पट्टिया वगैरह लग रही, तरापे वगैरह लग रहे, उस तरीके से. ओके अब हमको लेबर्स डिसाइड करनी है. लेबर्स हमको खुद से डिसाइड करनी होती है. तो हेड मैसन का काम बहुत रेयरली रहता है तो हम इसे आधा या फिर 3/4 ले सकते हैं. अभी हम 1/2 ले लेते हैं. मैसन इसका भी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता तो जनरली हम 2 लेते हैं. मजदूर का काफी काम रहता है, आप 10, 12, 14 कुछ ले सकते हैं तो अभी हम 13 ले लेते हैं. बिस्टी इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, इसे हम 12 ले लेते हैं. कुली हमको तरी करने के हिसाब से या सामान लिफ्ट करने के हिसाब से भी चाहिए तो हम इसे 2 ले लेते हैं. और सनराइज ये कुछ लमसम वैल्यू हो सकती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चले. ओके, नाउ द रेट्स जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे. 450 रुपीज, मैसन 425, 380 रुपीज, 350 रुपीज, 320 रुपीज एंड लमसम हम 1000 रुपीज लेकर चलते हैं. ओके, नाउ फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. इक्वल्स टू दिस इनटू दिस. तो हमको यहाँ से टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर्स भी मिल जाएगी. तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर हमारे पास कितनी आ रही है 5000. नहीं, एक सेकेंड, यहाँ फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो रहे हैं. डी फिर से अप्लाई करते हैं. सम D13 से D18. तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर आ रही है हमारे पास दिस एंड दिस. अब इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू. तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क हमारे पास आ गई 25,155 रुपीज. अब इसके अंदर हमने कहीं पे भी वाटर के चार्जेस इंक्लूड नहीं करते तो वाटर के चार्जेस जो रहते हैं वो जनरली 1.5% से 2% तक वेरी करते हैं. तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 2% ले लेते हैं. 2% मींस इक्वल्स टू 0.02 इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क. तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल गई. अब साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉफिट होना चाहिए तो जनरली कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 10%. तो इक्वल्स टू 0.10 इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क. तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई. अब टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क कितना आ गया इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस वन. तो ये आ गया 30,400 एंड 14 रुपीज 30,414 और 10 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना होगा 3414 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू रुपीज 3041.4 रुपीज। तो इस तरीके से हमारी डेट एनालिसिस की कैलकुलेशन करते हैं। अब बहुत सी बार क्या होता है हम फाउंडेशन के अंदर ब्रिक को यूज नहीं करते, हम इसकी जगह स्टोन को यूज करते हैं। तो ब्रिक की जगह हम क्या करेंगे स्टोन को यूज करेंगे। तो हम इसी की एक शीट कॉपी कर लेते हैं और इसी शीट के अंदर हम स्टोन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टोन मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रिक बैलास की जगह स्टोन बैलास को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने स्टोन कर लिया, यहाँ पे हमने लिखते हैं स्टोन ऑफ साइज 40 mm। अब कैलकुलेशन में रेशियो कितना था हमारे पास 1:2:6, तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा इक्वल टू 6 क्वांटिटी ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास आ गया 10.2। इसका जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी 32,300। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल मटेरियल की कॉस्ट भी वेरी हो गई, मोटर चार्जेस भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गए, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी आ गया, तो टोटल कॉस्ट भी आ गई। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, टोटल कॉस्ट हमारी है 49453 और 10 क्यूबिक मीटर और 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारे पास 49453 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास टोटल चार्जेस कितना आया 49,945 रुपीज और 1 क्यूबिक मीटर। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।